नागरिक संशोधन एक्ट के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद व हिंदू संगठनों ने हमीरपुर बाजार में रैली निकाली। रैली बोटा चौक से शुरू होकर गांधी चौक में पहुंची, जहां पर कार्यकर्ताओं ने नागरिक संशोधन बिल के समर्थन में प्रचार किया। नागरिक संशोधन एक्ट के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के कदम की सराहना की, तो कार्यकर्ताओं ने विरोधी दलों के द्वारा दुष्प्रचार करने के भी आरोप लगाए। इस अवसर पर मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय संयोजक केडी हिमाचली भी मौजूद रहे। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी संगठन सड़कों पर उतरे। हमीरपुर बाजार में न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ, वन विभाग कर्मचारी संघ, अनुबंध नियमित कर्मचारी संघ, वेटनरी कर्मचारी संघ, पंप ऑपरेटर कर्मचारी संघ, चालक एवं परिचालक संघ के सदस्यों ने पुलिस मैदान से एक रैली निकाली। इस दौरान सरकार से आग्रह किया कि पुरानी पेंशन जल्द बहाल की जाए। हमीरपुर बाजार से शुरू होकर रैली गांधी चौक से होते हुए उपायुक्त कार्यालय तक गई। कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से पुरानी पेंशन की मांग की और साथ ही नई पेंशन स्कीम को बंद करने का आग्रह किया। संघ के सदस्यों ने न्यू पेंशन स्कीम के तहत आने वाले किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो केंद्र की ओर से पहले दिए जा रहे लाभ को भी लागू करने की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से शिक्षकों ने मांग उठाई कि नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों के हित में नहीं है, ऐसे में पुरानी पेंशन बहाल की जानी चाहिए। पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रदर्शन कर रहे सदस्यों ने बताया कि नई पेंशन स्कीम के चलते कर्मचारियों व शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से छठे व सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने व 1 जनवरी 2016 से एक समान रूप से लागू करने की मांग की गई है। 1800 रुपए पेंशन लग रही है, वो क्या करेगा उसका? ये बहुत ही दुखदाई है। आज हर एक पार्टी बात कर रही है कि हम इसके साथ हैं, हम इस आंदोलन के साथ हैं, लेकिन कोई भी पार्टी का नुमाइंदा ये कहने को तैयार नहीं है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ओपीएस को लागू करेंगे। ये कर्मचारियों को मजबूरी में आज सड़कों पर उतरना पड़ रहा है अपने भविष्य को लेकर। ये मात्र कर्मचारियों का भविष्य की बात नहीं है, ये जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनके भविष्य की भी बात है। आज ये ओपीएस के साथ ही हमारे जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है आने वाला समय जो अभी किसी भी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है, वो उन्हें सोचना पड़ेगा, इस बारे में विचार करना पड़ेगा कि वो क्या करने जा रहे हैं। अगर उन्हें इनफॉर्म चाहिए, कर्मचारियों का काम लेना है तो उनकी आवाज को सुनना पड़ेगा। राज्य स्तर के ऊपर ज्ञापन दिया जाएगा, यह धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उसके बाद पूरे भारत में दिल्ली में जाकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। किसी भी सरकार को यह एहसास करवाया जाएगा कि कर्म